बस स्टेशन पे लोग टिकट के लिए लाइन लगाते हैं। नॉर्मली आपके पास फोन पे, गूगल पे या फिर कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन है तो डायरेक्टली इस तरह से मशीन यहाँ पे आपको स्टेशन पे मिल जाएगी। इस मशीन से आप इजीली यहाँ पे टिकट निकाल सकते हो। तो टिकट किस तरह से निकाला जाता है वो आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे कितने पर्सन है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें टिकट निकालना है, तो टिकट निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूजिंग मैप वाला ऑप्शन में चॉइस कर लेता हूँ, ये ईजी होता है। इसके बाद मुझे यहाँ पे जाना है घाटकोपर स्टेशन, तो मैं यहाँ पे घाटकोपर स्टेशन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो सारे स्टेशन आएंगे इसमें से मुझे जो स्टेशन जाना है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ घाटकोपर। उसके बाद यहाँ पे जर्नी डिटेल्स पे मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद हम कितने लोग हैं, यहाँ पे दो लोग हैं, मैं दो लोग पे क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारी जर्नी सिंगल है या रिटर्न है, मैं वापस आने वाला हूँ तो मैं रिटर्न जर्नी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर टैप कर लेता हूँ। इसके बाद टैप करने के बाद मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसमें समय यहाँ पे यूजिंग यूपीआई ऐप, तो QR कोड यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे हम पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा दोस्त यहाँ पे पेमेंट करा है QR कोड को स्कैन करके, यहाँ पे अमाउंट रिसीव हो चुका है। जैसे वो यहाँ पे अपना पिन डालेगा तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसने पिन यहाँ पे एंटर कर दिया, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। यहाँ पे आप देख सकते हो विद इन कुछ सेकंड में यहाँ पे प्रोसेसिंग में जाएगा। प्लीज़ कलेक्ट योर टिकट, टिकट नीचे गिर गया है। इसी तरह से यहाँ पे लाइन में लगने के अच्छा है आप इस मशीन का यूज़ करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो।